हेल्थ टाइम में आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। और डॉक्टर सेंथिल, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में त्वचा से किस तरह की समस्या होती है और क्या क्या उससे कैसे बचा जा सकता है, तो क्या कोई और भी बीमारी है त्वचा से संबंधित जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, जो त्वचा को हानि पहुंचा सकता है? हाँ जी, देर आर बहुत सारी बीमारी हैं जो ज़्यादा हो सकती है। अभी तक तो हमने देखें कि ड्राइनेस, विंटर के कारण जो ड्राइनेस की स्किन होती है, जैसे वो एक साइकिल होती है ना, पहले ड्राइनेस होती है, फिर क्रैकिंग, फिर इन्फेक्शन, एक्जिमा। वैसे दूसरा जो चीज़ है, जो स्किन की बीमारी होती है, सोरियासिस, जो विंटर सीजन में ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए द ब्लड वेसल्स, यानी जो खून की नाड़ियाँ हैं, वो बहुत सेंसिटिव होती है ठंड के कारण। उनमें से वो हम जो बोलते हैं परनियोसिस और चिलब्लेंस, वो होती है। दूसरा जो सिस्टमिक डिसऑर्डर्स है, यानी सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, वो और कोलाजन वास्कुलर डिजीज और प्रोग्रेसिव सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, ये सारे मेडिकल टर्म्स हैं जिन बीमारियों विंटर के सीजन में ज़्यादा हो सकती है। तो सोरियासिस के क्या टाइप्स होते हैं? सोरियासिस जनरली देखें तो फॉर अ कॉमन मैन वी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक है टाइप 1 सोरियासिस, दूसरा है टाइप 2 सोरियासिस। टाइप 1 सोरियासिस वो होता है वो बिलो 50 ईयर्स होती है, और दूसरा जो चीज़ है वो आफ्टर 50 ईयर्स। और बिलो 50 ईयर्स वाले में यूजली देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री, यानी इनकी फैमिली ट्री ट्रेस किए हैं तो उनकी फोर फादर्स में किसी को होना चाहिए और उसका जेनेटिक लिंकेज होती है HLA-CW6, वो पॉजिटिव होती है उन लोगों के लिए। और ये जब यंग एज में जब सोरियासिस आती है, वो बहुत काफ़ी रेजिस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंटली होल बॉडी इन्वॉल्वमेंट होती है और तेज वाला मेडिसिन देना पड़ता है और कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होती है। मगर जो टाइप 2 सोरियासिस होता है विच कम्स आफ्टर 50 ईयर्स, उन लोगों में प्रोग्नोसिस अच्छी है, यानी इतनी एक्सटेंसिव नहीं होती है, वेरी मिनिमल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। दीज आर द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ दिस। तो सोरियासिस के जो मरीज आते हैं आपके पास, तो उनका इलाज आप कैसे करते हैं? इलाज तो दो काफ़ी टाइप, एक हम एग्जामिन करते हैं इनके, एक होती है एरिया सिवरिटी इंडेक्स, सोरियासिस एरिया सिवरिटी इंडेक्स, पासी स्कोर, वो होती है। जब पेशेंट को लेस देन 10% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट है, उन लोगों के हम यूजुअली वी स्टार्ट ऑन टॉपिकल ट्रीटमेंट, यानी जो ऑइंटमेंट्स वगैरह जो डिफरेंट टाइप की होती है उससे शुरू होती है। जो 10-20% होती है उन लोगों के लिए हम फोटोथेरेपी, यानी अल्ट्रावायलेट फोटोथेरेपी, जो पुआ और नैरो बैंड यूवी है जी, वो स्टार्ट करते हैं हम। और जिन लोगों के भी 20% से ज़्यादा होते हैं, यानी काफ़ी सारी बॉडी इन्वॉल्वमेंट होती है, उन लोगों के लिए हम सिस्टमिक ट्रीटमेंट, यानी बगैर मेडिसिन लाइक मेथोट्रेक्सेट होती है, साइक्लोस्पोरिन, रेटिनॉल, जहीं पे कहीं पे भी वो ये है, वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द। तो सोरियासिस के जो मरीज होते हैं, क्या उनका इलाज लंबा चलता है या फिर कितनी देर में उनका जो त्वचा से संबंधित जो उनकी परेशानी है वो जल्दी ही ठीक हो जाता है? कैसे इलाज करते हैं, कितना लंबा? देखिए, सोरियासिस डिपेंड्स ऑन अ पर्सन, यानी कुछ लोगों के लिए जल्दी ही कंट्रोल में आ जाती है, कुछ लोगों के लिए लंबा चलता है, यानी वो 7-8 महीने के बाद वो थोड़ी सी कंट्रोल में आती है, वैसी होती है। सो बेसिकली क्या हो, इन पेशेंट्स में हम वो ये बताना चाहते हैं कि वो जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है वो उसमें कंट्रोल रखने से मोस्ट ऑफ द टाइम सोरियासिस कम्स अंडर कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, सिंपल थिंग, जो अभी हम सर्दी के मौसम के बारे में बात करें, सर्दी के मौसम में ही सोरियासिस ज़्यादा होती है, यानी 50-60% ऑफ द सोरियाटिक्स गेट्स वर्स ड्यूरिंग विंटर्स। सो मोस्ट ऑफ द जो सोरियासिस होते हैं वो जो 10-15 साल से हुए होंगे उन लोगों के लिए तो पता है कि हाँ जी, अभी सर्दी के मौसम आने, अभी ज़्यादा होने वाला है, तो क्या करें। जनरल जो क्या चीज़ें हम बोलते हैं, वन ऑफ द ट्रीटमेंट इन सोरियासिस इज मॉइस्चराइजर्स, यानी तेल लगाइए, मॉइस्चराइजर्स यानी उनमें तेल लगाने के लिए, क्योंकि स्किन हाइड्रेशन होनी है। स्किन हाइड्रेशन होने से वो ड्राइनेस नहीं होती है, इचिंग भी कम रहता है और सोरियासिस ज़्यादा नहीं होती है। तो इन लोगों में हम तेल, जो लिक्विड पैराफिन ऑयल है सिंपल, और या कोकोनट ऑयल होती है, वो बोलते हैं हम लगाने के लिए, ताकि वो ड्राइनेस ज़्यादा नहीं हो और सोरियासिस एग्रीवेट ना हो। जी, हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में किस तरह की समस्या होती है। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उनकी त्वचा का सर्दियों के मौसम में किस तरह से देखभाल करना चाहिए? हाँ जी, छोटे बच्चों में क्या है, उनका बॉडी सर्फेस एयर बहुत कम है जी, यानी दिल बी द साइज ऑफ अवर वन हैंड, उनका वही 100%। तो उनकी एक्सपोजर कम करना है पहले को ज़्यादा। उनमें क्या होता है, एक नॉर्मल चाइल्ड होती है, एक एटोपिक चाइल्ड होती है। एटोपिक चाइल्ड यानी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी होती है, क्या कुछ फैमिली में आस्थमा होती है या एलर्जिक राइनेट्स। उन लोगों का क्या होता है, जो बच्चे जो बॉर्न होते हैं उनका स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, यानी ईजली ड्राई हो जाती है जी। उन वो पेशेंट्स, वो वाले बच्चे विल एक्सपीरियंस मोर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ
विंटर रादर देन नॉर्मल चिल्ड्रन. सो उन पेशेंट में क्या करना है, चार चीज फॉलो करनी है. यूजली मदर्स आर द वन हु टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. सो मदर्स के लिए ये एजुकेशन है, एक साबुन कम से कम इस्तेमाल करें, यानी जितने भी बेबी सोप्स आते हैं, जॉनसन बेबी मॉइस्चराइजर, जितने भी साबुन, उसको हम क्या करें, बड़े लोग क्या करते हैं, साबुन लेके पूरे शरीर में लगा लेते हैं, अगर बच्चों में या फिर रब इट इनटू द हैंड और उसी को पूरे शरीर में लगाएं, ताकि वी आर रिड्यूसिंग द सोप एप्लीकेशन. दूसरा जो चीज़ है, जो लोशन टाइप की होती है, जॉनसन बेबी लोशन, जो भी लोशंस होती है, मॉइस्चराइजिंग लोशन, उसको इमिडिएटली आफ्टर द बाथ फुल बॉडी लगाएं, और हो सके तो दिन में दो तीन बार लगाएं, सो दैट ही सॉफ्ट रहें. तीसरा जो चीज़ है, उनकी जो छोटी नाखून, क्योंकि जब ड्राइनेस होती है तो बच्चा खुजली करना शुरू करता है, तो वो सेकंड इन्फेक्शन वो तो कट करके रखना है. और चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आइटोपिक चिल्ड्रन में, वी शुड यूज कॉटन क्लोथ, वरना वो वुलन और पॉलीथीन वगैरह होते हैं ना, वो ज़्यादा खुजली कर लेते हैं. तो हो सके तो जितना ज़्यादा कॉटन क्लोथ यूज़ करें. आमतौर पर लोगों की ये धारणा होती है, लोग ये सोचते हैं कि सर्दियों के मौसम में धूप में निकलना ज्यादा हानिकारक नहीं होता है, और धूप में बैठते हैं, धूप का सेवन करते हैं, तो क्या ये सही है, या फिर अगर धूप से प्रॉब्लम होती है तो किस तरह की समस्या होती है? ये कॉमन प्रैक्टिस है कि ठंड के मौसम में हम ज्यादातर वे वार्म अप इन द सन बोलते हैं, मगर ऐसे नहीं करना चाहिए. हो सके तो वी हैव टू टेक प्रिवेंशन फ्रॉम सन, क्योंकि क्या होती है, जितना हम एक्सपोज करें उतना एक्सपोज करेंगे कोल्ड सीजन में, सो उससे हम फोटोडर्मेटाइटिस, यानी कॉमन चीज जो होती है पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन, वो सडन इंक्रीज इन द एक्सपोजर टू सन से होती है वो, तो यानी तो उसको हम प्रिवेंट करना है जो ज्यादा एक्सपोज. वी शुड ट्राई टू कवर अरसेल्फ एंड इफ पॉसिबल अच्छी सनस्क्रीन यूज करना है जहाँ पे एक्सपोज एरियाज में, सो दैट वी प्रिवेंट. वो सनस्क्रीन दो काम कर लेती है, एक मॉइस्चराइजिंग कर लेती है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, और दूसरा जो सन से बचाती है हमें. जी, युवाओं को जो भी है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको अपनी स्किन को लेकर काफी संजीदगी होती है, वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी त्वचा काफी खूबसूरत रहे, तो उनको सर्दियों के मौसम में अपनी त्वचा की कैसे देखभाल करनी चाहिए? सर देखो, ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, जैसे मैंने बताया कि पहले ही बताया कि यूज अ गुड मॉइस्चराइजिंग सोप विच इज ग्लिसरीन एंड थिंग, जिससे वो पीएच वगैरह एडजस्ट हो जाती है और सॉफ्ट रहती है स्किन. दूसरा जो चीज़ है, कुछ लोग जितना कम सोप यूज़ करें उतने कम यूज़ करें. कुछ लोगों के लिए क्या होते हैं, दे आस्क कि वो क्रीम ग्राम डाल वगैरह वो मिक्स करके लगाने से अच्छी रहेगी. हाँ, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया, जितनी साबुन कम इस्तेमाल तो उतनी अच्छी होती है. चौथा जो चीज़ है, जो एक्सपोज्ड एरियाज होती है, यानी वो फेस वगैरह, एक गुड सनस्क्रीन विथ मॉइस्चराइजिंग एफेक्ट, उससे क्या होगी, जो सन की साइड इफेक्ट भी नहीं होगी और स्किन को मॉइस्चराइज करके अच्छी रखेगी, और वो और बाकी जो हाथ और अदर पार्ट ऑफ बॉडी, एक अच्छे लोशन के, मॉइस्चराइजिंग जो लोशन होती है, दिन में दो तीन बार लगाएं, और ईट अ लॉट ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन डी, सो बाय दैट टाइम द स्किन लुक्स मच बेटर. जी, जैसा कि आपने कहा कि विटामिन सी और विटामिन काफी अच्छा अहम रोल अदा करता है अच्छे त्वचा के लिए, वैसे ही खाना आहार की बात करें तो वो कितना अहम रोल अदा करता है जो सर्दियों के मौसम में त्वचा संबंधी जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो उससे कितना ज्यादा मदद करता है त्वचा को सही रखने में? वैसे विटामिन डिफिशियंसीज में तो स्किन की ड्राइनेस ही हो जाती है, यानी वो विटामिन बी डिफिशियंसीज होती है जो बच्चों होती है, जो मैलनरिश्ड होती है, नरिशमेंट ठीक नहीं है, तो स्किन विल बिकम ड्राई एंड ब्रेकअप, इट विल ऐड जो ड्राइनेस के कारण, उससे क्या, इस ड्राइनेस और सर्दी के कारण ड्राइनेस ऐड करके, और एक्जिमा एज यूजुअल वो साइकिल चलती है, एक्जिमा होने से, वो फिर खुजली करने से, सेकेंड इन्फेक्शन वो वगैरह होते हैं. सो प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग. तो किस तरह का आहार आप उनको एडवाइस करते हैं अगर आपको स्किन से संबंधित जो मरीज आपके पास आते हैं? देखिए, स्किन के संबंधित हो तो दो विटामिन्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज विटामिन सी एंड विटामिन ई एज फॉर ब्यूटीनेस ऑफ दी दिस वन, मगर रेगुलर इसके लिए फंक्शन ऑफ स्किन वगैरह विटामिन बी इज मोर इम्पॉर्टेंट, वी हैव थायमिन, राइबोफ्लेविन वगैरह होती है, तो वो तो रेगुलर राइस में होता है. सो ओनली थिंग इज फॉर एग्जाम्पल वो स्टार्च वगैरह अच्छी तरह ये करना, वो रेगुलर बैलेंस डाइट, इट्स नॉट कुछ स्पेसिफिकली इसके लिए, यानी वो ये नहीं कि ज़्यादा दाल खाना है इस सर्दी के मौसम में, इसमें नहीं खाना, वैसे नहीं, टेक अ रेगुलर बैलेंस डाइट विच योर कंट्री, दैट इज द थिंग. जी, सर्दियों के मौसम में एड़ियों की जो समस्या होती है, आप काफी ज्यादा फट जाता है, उसे खून भी निकल जाता है, तो उसका किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? हाँ, उसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट थिंग इज
एक्सपोज ना करें, यानी घर के अंदर भी हो सके तो एक सॉफ्ट चप्पल पहने, नॉट टू वॉक इन कोल्ड, जिसमें ज़्यादातर पानी में काम करना ना करें। तीसरा जो चीज़ है उसके भी वो गर्म पानी में सोक, फीट सोक करना है जी. और जेंटल यानी वो स्क्रैपिंग करके सॉफ्ट रखना है, और इमिडिएटली एक टिक ऑइंटमेंट पेस्ट यानी वो वैसलीन पेट्रोलियम जली होती है जो टिक होती है, तो उसको एक कोटिंग देने से वो स्किन सॉफ्ट रहती है। जी. और हो सके तो सर्दियों में वेयर शूज मोर देन चप्पल्स, क्योंकि शूज रखने से बाहर की हवा भी कम पड़ती है और अंदर जो वाटर जो एस्केप होती है वो भी स्वेटिंग के कारण वो सॉफ्ट रखती है स्किन को। सर्दियों के मौसम में लोग सर्दियों से बचने के लिए घर में जो है वो हीटर का इस्तेमाल करते हैं, ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी हवा कितनी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है? उसमें क्या होती है ना, मोस्ट ऑफ दी हीटर्स वगैरह ह्यूमिडिटी कम करती है, ह्यूमिडिटी कम होने से स्किन और क्रैक होती है जी। वी शुड नीड अ ह्यूमिडिफायर बट दैट वी डोंट हैव इट, लाइक इसलिए रखें तो चाहे थोड़ी दूर रहने से उसके साथ पास में ना बैठने के लिए, ताकि वो क्रैकिंग ऑफ स्किन वगैरह जी। सर्दियों में एक डायरेक्ट एक्सपोजर जो होता है, जैसे बगैर स्वेटर का बाहर निकल गए, हवा लग गई, तो फिर उससे किस तरह की स्किन को प्रॉब्लम आती है? नहीं, ऐसे प्रॉब्लम क्या होती है, एक अक्यूट एक्सपोजर होती है, यानी मानो जो भी साउथ से आता है यहाँ पे, ही इज नॉट एक्सपीरियंस टू दी हार्श विंटर्स ऑफ नॉर्थ, तो उनमें क्या होती है वो जो सडन जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी स्किन में, इट इज़ ए नॉर्मल फिजियोलॉजी। क्या होती है जब भी हम सर्दी के मौसम में जाती है, हमारी पेरिफेरल स्किन के जो खून की नाड़ी है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्लोज कर देती है, तो इसलिए वो उन पेशेंट में और ज़्यादा होगी और पेरिफेरल ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो उनमें वो जो बीमारियां बोलते हैं यानी वो चिलब्लेंस, परनियोसिस, वो अगर सेंसिटिव इंडिविजुअल्स में होने की बहुत संभावना है जी। सर्दियों में त्वचा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उससे बचने के लिए हमारे दर्शकों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? बेसिक टिप्स वही तो, फर्स्ट वन, साबुन, एक अच्छी साबुन यूज करिए, कम से कम साबुन यूज करना है। जैसे मैंने बोला मॉइस्चराइजर तो 3-4 टाइप की होती है, जैसे यानी फुल बॉडी के लिए इजी स्प्रेडिबिलिटी के लिए लोशन पिकअप करने, और लोकलाइज एरिया के यानी लिप्स के लिए और फेस के लिए तो एक मोर ऑफ अ क्रीम और एन ऑइंटमेंट बेस विल बी मच इम्पॉर्टेंट। तीसरा जो चीज़ है, एक सोप जो मैं हाउसवाइफ के लिए मेनली जो वो डिटर्जेंट्स के साथ वगैरह काम, वो थोड़ा सा अच्छा देखभाल करें क्या, ताकि इमिडिएटली उससे काम करने के बाद इमिडिएटली वैसलीन वगैरह लगा के वो सॉफ्ट कर लें स्किन को, और कॉटन की क्लोथ्स, बिकॉज वो जब बॉडी ड्राई हो जाती है तो दूसरा वुलन क्लोथ्स वगैरह इरिटेट करेगी स्किन, तो कॉटन अंडरलाइनिंग विल बी अ गुड दिस वन। डॉक्टर सिंथिल, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे सर्दियों में होने वाली समस्या, त्वचा समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से होती है सर्दियों में त्वचा की समस्या और कैसे होता है इसका इलाज। उम्मीद करते हैं त्वचा से संबंधित बीमारी के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी भी सेहत से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@10nightnews.com, और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01725043734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों का जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।